गर्मी के समय में कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखें कुछ हरा भरा देखने को तरस जाती हैं। हम लोग एक कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं और ऐसे में हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम इस पर्यावरण के लिए, इससे में रहने वाले जीवों के लिए, तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं और भी दूसरे बहुत सारे जीव हैं जिनके लिए हम कुछ करें। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप इस गर्मी में भी कैसे अपने छोटे से जगह पे जो स्थान उपलब्ध है उसको कैसे हरा भरा रख सकते हैं। ये कुछ बालसम, इसको हमारे लैंग्वेज में तीरा मीरा बोलते हैं, ये मैंने उगाया है। इस गमले में मैं कंपोस्ट बनाता हूँ, जो सूखे पेड़ पौधे पत्ते होते हैं उन्हें जलाना फेंकना आप यहाँ देख रहे हैं वो नहीं करके मैं इसमें गाड़ देता हूँ और कुछ दिनों के बाद वो सड़गल करके कंपोस्ट से बन जाते हैं। इसी में कुछ ये बालसम के बीज गिर गए थे और उसी में मैंने कुछ एशियाटिक लिली के भी बल्ब लगा दिए थे जो जर्मिनेट कर गए हैं और अब कुछ दिनों के बाद 1, 2, 3 आप देख रहे हैं पौधों को, ये खिलने वाले भी हैं। ये सीताफल लगाया है, कैलेडियम है। ये ओरिएंटल लिली के कुछ पौधे हैं जो खिल चुके हैं, इनमें बीज आने वाला है। यहाँ एक आप देख रहे हैं स्पॉट में, ये हाइसिंथ का एक डेरिवेटिव है, इसको मस्कोरी बोलते हैं या ग्रेप हाइसिंथ बोलते हैं। इसके बल्ब अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं पौधे, तो इसे मैंने छोड़ रखा है, कुछ दिनों के बाद इसका बल्ब निकालूंगा। ये कुछ कैलेडियम उग रहे हैं यहाँ पर। ये डॉग फ्लावर एंटीरिनम है। ये ककड़ी की एक बेल लगा रखी है मैंने। इस गमले में कैप्सिकम शिमला मिर्च के कुछ पौधे उगे हुए हैं, कुछ और भी मिर्च डाला है मैंने जो अभी जर्मिनेट कर रहे हैं। कुछ कैलेंडुला उग रहा है, गेंदे हैं। ये एमरलस का पौधा है जो खिल चुका है, खिलकर ख़त्म हो चुका है, इसका सीड भी बना था, सीड डिस्पर्ज हो गया है। मिर्च का एक पौधा है, बल्कि इसमें कुछ मिर्च हुए भी हैं। और ये जीनिया उग रहा है। इस बार मैंने इस गमले में तरबूज के कुछ बीज बोए थे और मैं लकी हूँ कि कुछ तरबूज उसमें आ भी रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि ये कब तक तैयार होंगे, कितने बड़े होंगे। आप देख रहे हैं दूसरा भी है, एक तीसरा बेबी वाटरमेलन भी उग रहा है। ये रजनीगंधा है। ये चाउमीन या पास्ता में डाल करके खाने वाला सेलरी कहलाता है। ये जटाधारी उग रहा है। ये कोचिया के पौधे हैं। ये ग्लेडियोलाई के पुराने बल्ब हैं जो खिल करके ख़त्म हो चुके थे, लेकिन मैंने पॉट से उन्हें निकाला नहीं, तो उग रहे हैं। ये फ्रेंजी पानी का एक स्टेम लगाया था, ये भी जर्मिनेट कर रहा है। ये क्रिजेंथमम के पौधे हैं जो खिल चुके हैं, लेकिन अभी भी उनमें कुछ कलियाँ आ रखी हैं। ये पाम का पौधा है, ये मेरी स्कूल में मेरी प्रिंसिपल मैम ने मुझे गिफ्ट किया था। ये टाइगर लिली का पौधा है, एक ही पॉट में काफ़ी सारा हो गया था, तो इसे इस बार मैंने उसके क्लाउड को निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी हो रहा है। ये रजनीगंधा के लगाए हैं मैंने, ये सारे डबल वाले हैं। ये कोलोंछे का पौधा है, इसमें एक लाल साग भी उगा है। कोलोंछे के स्टेम से भी उग जाता है, थोड़े दिनों के बाद इसके स्टेम की कटिंग करके बनाऊंगा। मेरे पास और भी है कुछ रेड कलर वाले, ये येलो वाला है। ये कुछ कैलेडियम उग रहे हैं यहाँ पर। ये डालिया बचा हुआ है और एक संजोग से खिल भी गया है। ये कुछ जीनिया है, ये जटाधारी ही है। ये बालसम है, इसमें मैंने एक लगा रखा है, ये डे लिली कहलाता है। येलो कलर के फ्लावर होते हैं और खुशबू भी होती है भीनी सी। ये अभी कुछ ब्लूम कर रहे हैं और इसमें भी खुशबू होती है। ये टाइगर लिली का ओरिजिनल पॉट था। यहाँ इसमें मैंने जेफ्रेंटस लगा रखा है। बल्बुअस जो प्लांट्स हैं वो हो जाते हैं गर्मियों में भी, थोड़े कम केयर के साथ भी। यहाँ पर कैलेडियम जर्मिनेट कर रहा है और ये फुटबॉल लिली का ही बल्ब है। करीब 15 से 20 दिनों में ये खिल जाएगा। इसमें भी पहले एशियाटिक लिली खिला था, अब उसके बाद वो जर्मिनेट कर रहा है। ये ग्लेडियोलाई ही है, ये भी ग्लेडियोलाई ही है। ये बैगन का एक पौधा है, पिछले 2-3 सालों से है, ये फला भी था, अभी भी कुछ फूल आ रहे हैं, देखता हूँ क्या स्कोप बनता है।
एक लड़ी सॉरी रजनीगंधा है सिंगल वाला, बारिश के समय में अभी खिलेगा। ये कैप्सिकम है, कैप्सिकम में छोटे छोटे कैप्सिकम बनने शुरू हो गए हैं। ये तोरई लगा रखा है, ये ककड़ी। तो इस तरीके से अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप अपने छोटे से जगह को हरा भरा रख सकते हैं और उसमें कुछ अच्छा उगा भी सकते हैं। अब जैसे ये लाल साग हो रहा है तो इसे दाल में डाल करके अच्छा ही स्वाद आता है। ये लगा रखा है एलोवेरा और उसी में एक अपराजिता की बेल भी है, ये बारिश के दिनों में खिलती है। ये एशियाटिक लिली के ही बल्ब हैं और उससे कुछ जर्मिनेट हुआ है, अलग अलग प्लांट बन रहे हैं। 1 से 1.5 साल में ये खिलने लायक हो जाएंगे। उसी में मैंने एक मिर्च का पौधा भी लगा दिया है। कुल पर्पस जो है वो यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा रख सकें, एक अच्छी हॉबी है, अच्छा समय बीतता है और कुछ ना कुछ अच्छा हो भी जाता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।